नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सबका स्वागत करती हूँ एमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। दांडी मार्च को नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। यह अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गाँव दांडी तक पैदल यात्रा करके नमक हाथ में लेकर किया गया था। नमक विरोधी कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। आज के दिन सन 1954 में भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना की। भारत की साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए सक्रिय कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य उच्च साहित्यिक मानदंड स्थापित करना, भारतीय भाषाओं और भारत में होने वाली साहित्यिक गतिविधियों का पोषण और समन्वय करना है। अकादमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। आज के दिन सन 1958 में ब्रिटिश साम्राज्य दिवस का नाम राष्ट्रमंडल दिवस किया गया। संसार में बहुत से देशों पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज हुआ करता था। धीरे धीरे सभी देश आजादी की ओर बढ़ रहे थे। इन देशों को एकत्रित रखने के उद्देश्य से ही राष्ट्रमंडल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि एकता ही इस संसार में शांति कायम कर सकती है। सन 1901 में महारानी विक्टोरिया ने पहली बार अपने जन्मदिन पर इस तरह के संगठन के बारे में सोचा था। फिर इनकी मृत्यु के एक साल बाद सर्वप्रथम साम्राज्य दिवस सन 1902 में आयोजित किया गया था। हर साल मार्च में दूसरे सोमवार के दिन राष्ट्रमंडल दिवस धूमधाम से आयोजित किया जाता है। आज के दिन सन 1992 में मॉरिशस गणराज्य घोषित किया गया। मॉरिशस मास्कार ने द्वीप समूह का हिस्सा है। इस द्वीप समूह की श्रृंखला उन अंत समुद्र ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बनी है जो अब सक्रिय नहीं है। मॉरिशस की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है, जिसका कारण पहले इसका फ्रांस के अधीन होना तथा बाद में ब्रिटिश स्वामित्व में आना है। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। आज ही के दिन सन 1755 में भाप के पहले इंजन का इस्तेमाल खदान से पानी निकालने के लिए किया गया। भाप का इंजन या वाष्पयान एक प्रकार की ऊष्मीय इंजन है, जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। भाप के इंजन अधिकांश वाय दहन इंजन के होते हैं, जिसमें रैकाइन चक्र नाम ऊष्मा चक्र काम में लाया जाता है। सेवरी पहला व्यक्ति था जिसने व्यावसायिक उपयोग का एक भाप इंजन बनाया, जिसका उपयोग खदानों में से पानी उलीचने और कुओं में से पानी निकालने में हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 12 मार्च दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। विद्यार्थियों को अनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामुनी व सिलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी। तुला, आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु, आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। व्यर्थ की चिंता के तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैगनी। मकर, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून व गुलाबी।
कुंभ, आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। कारोबार में लाभ के योग हैं शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। वाणी पर संयम रखें, अपमानित होने के योग हैं शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा जामुनी स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:05 से शाम 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121266888 या फिर 0983706046। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।